नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। मिथिलांचल के आस्था के महान पावन चैती छठ के तेसर दिन आय डूबत सूरज के अर्घ दल गया। प्रत्येक वर्ष चैत आ कार्तिक के शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन जलाशय के कात में सूरज आ षष्ठी देवी के अर्घ अर्पण छठ पावन मनाओल जाए। चार दिनक चैती छठ पावन के आय तेसर दिन डूबत सूरज के ठकुआ भुसुआ नरियल केरा आदि फल फूल सहित के विभिन्न प्रकार के अर्घ अर्पण चैती छठ मनाओल जा रहा है। चार दिन धर मनाओल जाए वाला पावन के पहल दिन व्रती नहाय खाय विधि कयने छल। दोसर दिन खरना विधि कयने छल। खरना के दिन व्रती दिन भर उपवास कुल देवता के पूजा साँझ में प्रसाद ग्रहण कयने छल। जनकपुर धाम के ऐतिहासिक गंगा सागर धनुष सागर अर्गजा पोखर लगात मधेश के विभिन्न जलाशय के घाट पर चैती छठ मनाओल जा रहा है। छठ पावन मानला से दुख से मुक्ति संतान प्राप्ति चर्म रोग ठीक हेबाक आ पारिवारिक सुख शांति हेबाक जन विश्वास रहल छे। मिथिलांचल में आय हर्षोल्लास पूर्वक जुड़ शीतल पावन मनाओल जा रहा है। बैसाख दू गोते मनाओल जाए वाला पावन में परिवार के ज्येष्ठ सदस्य भिनसर अपना से छोट के मथा पर पानि जुड़ा कर आशीर्वाद देवाक परम्परा रहल छे। होली पावन में रंग अबीर लगा कर खेले जका अय पावन में एक दोसर के थाल पान सेहो से खेल जाए छे। जुड़ शीतल पावन में अगला वर्ष के बसिया खाना सेहो खेबाक परम्परा रहल छे। मिथिलांचल के जुड़ शीतल के संरक्षण करबाक उद्देश्य से विभिन्न संघ संस्था के प्रयास में जनकपुर धाम में मनाओल जा रहल छे। जनकपुर धाम स्थित गंगा सागर पोखर के कात में सेव हिस्टोरिकल जनकपुर धाम के अगुवाई में किछ वर्ष एम्हर से जुड़ शीतल पावन के आयोजन कयल जा रहा है। शीतलता के प्रतीक के रूप में थाल आ पानि से खेलबाक पावन मिथिलांचल के संस्कृति के देखेबाक मधेश प्रदेश के प्रदेश सभा सदस्य राम आशीष यादव बतौलनि। जुड़ शीतल पावन में भिनसर गाछ में पानि रखबाक सेहो परम्परा रहल छै। एहि हिसाब से पावन से प्रकृति संरक्षण के समेत संदेश दैत आयल हुनक कथन छै। एकर अलावा जुड़ शीतल पावन वैज्ञानिक आ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सेहो समेत महत्वपूर्ण रहल छै। शरीर में थाल आ पानि पड़ला पर स्वास्थ्य लाभ हेबाक आ रोग नहीं लगबाक विश्वास समेत रहल छै। भारतीय राजदूतावास अंतर्गत स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र नेपाली नया वर्ष के अवसर में द्वितीय जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव कयने छे। कार्यक्रम में दू सत्र में कयल गेल कार्यक्रम अंतर्गत पहल सत्र में किला अर्थात गढ़ी के चित्र प्रदर्शनी साड़ी प्रदर्शनी आ मैथिली व्यंजन समारोह के आयोजन कयल गेल छल। तहिना दोसर सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम कयल गेल छल। कार्यक्रम में मधेशक मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव नेपाल आ भारत बीच के जनता जनता बीच अतुलनीय संबंध रहल बतौलन। मधेशी समुदाय का जो प्रेम है भारत से वो पहले से भी समुन्दर से गहरा और हिमालय से भी ऊंचाई से भी बड़ा उस 22 जनवरी को ही देखने को मिला। मैं हमारे भारत एम्बेसी के मित्र लोग से मैं ये कहना चाहूंगा, दो रोज पहले नेपाल सरकार के भी गृह मंत्रालय द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम था जनकपुर में, हमने वहां भी बोला जो नेपाल और भारत का संबंध है, हम लोग सीमा पे सुरक्षा को बात बताकर उसके बाद में राजस्व छली के बात बता के जो कठिनाई हम लोग कर रहे हैं नेपाल हमारे नेपाली मधेशी जनता को जाने में या उधर से भी भारतीय नागरिक को नेपाल में आने में, उस पर थोड़ा हम लोग गंभीर हुए। ये बॉर्डर के समस्या से जिस तरह जानकी माता का शादी अयोध्या जी में श्री राम जी से हुआ, उस तरह नेपाल के भी भारत में और भारत से भी नेपाल में जो शादी संबंध का भी जो पहले से जो शादी संबंध हो रही थी वो अभी एक कठिनाई के कारण थोड़ा रुक गया है। और इधर के लोग खास करके अधिक शादी संबंध के लिए बॉर्डर पार में ही जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री यादव सीमा क्षेत्र में सुरक्षा आ राजस्व के नाम में किस वर्ष एम्हर सर्वसाधारण संघ
सुरक्षाकर्मी द्वारा भ रहा व्यवहार से दू देश बीच के सदियों पुरान संबंध के बिगाड़वा काज भ रहा कहत अय में सुधार आन नेपाल आ भारत दुनू सरकार संग आग्रह समेत कने छलेथ। कार्यक्रम में भारतीय महावाणिज्य दूतावास बीरगंज के महावाणिज्य दूत डीएस मीना दू देश बीचक सजिया संस्कृति के प्रदर्शनी के लेल जनकपुर धाम में सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन कयल गेल बतौलन। प्राव और संस्कृति को का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाने में सफल होगा। हमें संस्कृतिविद एवं अर्थविद डॉक्टर हरीश वंश झा माता जानकी के बाल लीला के प्रसंग के विषय में चर्चा कने छलथि। और ओ जे परब्रह्म के जे अइठम उद्गम जे होय छे अहाँ के पृथ्वी पर ओ युग में एक बेर होय छे तो ताहि से जना द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के उद्गम होय छे अहाँ के तो तहिना ओहिसँ पहले त्रेता युग में भगवान राम और जानकी जी के उद्भव होय छे तो एक युग में एक बेर अबै छथिन भगवान अवतरित होय छथिन अइठम। और किया उद्गम होय छे हुनकर अइठम तो जखन जे विभिन्न पाप जुआ जाए छे अहाँ के विभिन्न अपवित्र चीज से बढ़ जाए छे अहाँ के तो ओकरा जे छे से निराकरण जखन धर्म के जे छे से बहुत कुठाराघात होय छे। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के निर्देशक डॉक्टर आशावरी बापट ऐतिहासिक कालखंड में युद्ध लड़बाक लेल भारत तथा नेपाल में दुर्ग किला अर्थात गढ़ी सबके स्थापना कयल गेल आ एकर महत्व के विषय में जानकारी देने छलथि। में सबसे वेद है मैंने जैसे कहा आर्ष महाकाव्य रामायण महाभारत है। मनुस्मृति में भी सातवां अध्याय जो राजधर्म के ऊपर ही है उसमें दुर्ग की व्याख्या आती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में दुर्ग की व्याख्या आती है। अमरकोश में सप्तांगों में कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी राज्य के सप्तांगों का परिचय दिया गया है। कार्यक्रम में भारतीय राजदूतावास के प्रेस संचार तथा संस्कृति प्रमुख गीतांजलि बैंडोन भारतीय दूतावास के दिस सब में नया वर्ष के शुभकामना देने छलथि। कार्यक्रम के दोसर सत्र में इंडियन आइडल में सहभागिता जना चुकल नेपाली गायिका मेनुका पौड़ेल आ विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के छात्र छात्रा सब गायन प्रस्तुत कयने छल। महोत्सव में दू देशक नारी सब द्वारा के रहल सजिया पहिरन साड़ी के प्रदर्शन के संगे विभिन्न किला सब के फोटो प्रदर्शनी कयल गेल छल। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद सब जनकपुर धामक मेयर मनोज शाह पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह लगात सहभागी भेल छल। भारतीय राजदूतावास नेपालक विभिन्न जिला के स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में काज करवला विभिन्न संघ संस्था के 35 एम्बुलेंस आ 66 स्कूल बस उपहार स्वरूप प्रदान कयने छै। अर्थमंत्री वर्षमान पूर्ण के उपस्थिति में ई एम्बुलेंस तथा स्कूल बस के चाबी नेपालक लेल भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव हस्तांतरण कयलनि अछि। समारोह में प्रमुख तथा विभिन्न जिला के नगरपालिका एवं गाँव पालिका के अध्यक्ष विभिन्न लाभग्राही संस्था के प्रतिनिधि राजनीतिक प्रतिनिधि नेपाल सरकारक पदाधिकारी लगात समाजसेवी सब के उपस्थिति रहल छल। उपहार स्वरूप आय हस्तांतरण कयल गेल। कुल 101 सवारी साधन में से 2 एम्बुलेंस दूतावास के प्रतिनिधि भूकंप प्रभावित जाजरकोट आ रुकुम पश्चिम जिला में पहुँच कर जिला अधिकारी तथा स्थानीय बासिंदा के उपस्थिति में हस्तांतरण कयने छल। नेपालक स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र के उच्च प्राथमिकता में रखत भारत सरकार 3 दशक से भारत के स्वतंत्रता दिवस आ गणतंत्र दिवस के अवसर में नेपालक विभिन्न भाग में रहल विभिन्न लाभग्राही संस्था के एम्बुलेंस तथा स्कूल बस सब उपहार स्वरूप प्रदान करते आबि रहा है। कार्यक्रम में
अर्थ मंत्री पुन भारत सरकार के सहयोग में नेपाल में संचालित विभिन्न विकास संबंधी परियोजना के सराहना करते ओ दू देश बीच के जनता जनता बीच के संपर्क आ द्विपक्षीय संबंध के निरंतर सुदृढ़ बनबित लॉ जेबाक बतौने नेपालक लेल भारतीय राजदूत श्रीवास्तव ई एम्बुलेंस तथा स्कूल बस के हस्तांतरण स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वाधार विकास कर नेपाल सरकार उठाने प्रयास के और मजबूत बनाब योगदान पहुँचबाक विश्वास व्यक्त कयने छे। सन 1994 एम्हर भारत सरकार अखन धरि नेपाल भरि 1900 एम्बुलेंस आ 300 स्कूल बस उपहार स्वरूप उपलब्ध करा चुकल छै। इस सहयोग स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधा के सुदृढ़ बनाब नेपाल के ने प्रयास में मदद पहुँचबाक आ एहन सेवा में सहज भौतिक पहुँच के सहजीकरण कर भारत सरकार नेपाल के करैत आयल निरंतर सहयोग के एक हिस्सा के रूप में रहल छै। आब खेल समाचार। जनकपुर धाम में भेल राष्ट्रपति रनिंग शील्ड छनौट प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी घायल भेल छै। बैसाख 4 गते से काठमांडू में राष्ट्रपति रनिंग शील्ड प्रतियोगिता होबय लागल छै। इहे प्रतियोगिता में सहभागी होबय वाला खिलाड़ी छनौट कर मधेश सरकार खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय आयोजना के ने खेल में महतरी के संदीप महतो घायल भेल छै। ओकरा जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल में इलाज भ रहल छै। रवि दिन एथलेटिक्स दिस लमजम्प के लेल तैयारी कयल गेल मैदान में बालू राखल जेबाक ठाम में चिकनी माटि राखि कऽ जम्प कराओल गेला बाद खिलाड़ी घायल भेल। खिलाड़ी अभिभावक प्रशिक्षक तथा निर्णायक सब आरोप लगौलनि छै। घायल के अस्पताल लऽ जेबाक लेल एम्बुलेंस सेहो विलम्ब कऽ कऽ बजाओल गेल ओकर सबके आरोप रहल छै। प्राथमिक इलाज के साथे पानी के समेत सुविधा नहीं भेल वो सब उपराग कैलक अछि। नरकुञ्जल सम्म इन्जर्ड भएर मान्छे यहाँ नजिक हामीले के एक्शन नलिन्जेल सम्म एम्बुलेन्स नआएको अहिले हामीले जबरजस्ती गरेर 1 घन्टा 15 मिनट पछि बल्ल एम्बुलेन्स बोलाइराख्नु भएको छ। मान्छे मर्ने बेला भइसक्यो बल्ल एम्बुलेन्स आइरहेको छ। मुखको पनि व्यवस्था छैन। यहाँ नजिक एउटा फर्स्ट एड बक्स पनि छैन क्या। यहाँ एउटा पानीको बोतल माग्नु जाँदा पानीको बोतल पनि छैन। 25 लाख बजेट 25 कति बजेट आएको छ भन्छ एउटा 25 रुपियाँको बोतल धरि पानी धरि दिन्छ। माटोको ठाउँमा बालुवा हुनुपर्ने त्यो पनि बालुवा चालेको बालुवा हुनुपर्ने त्यो पनि जमिन लेभलमा हुनुपर्ने यहाँ त 6 फिटदेखि 6 इन्चदेखि 1 फिट बालुवा माटो राखेको छ कि। अनि अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको बच्चा घाइते छ भइसकेको छ। मधेस प्रदेशक खिलाड़ी छनौट कर 8 जिला के खिलाड़ी सब जनकपुर धाम आयल छल। ओकरा सबके शनि आ रवि के विभिन्न विधा में प्रतिस्पर्धा कराओल गेल छल। शनि दिन सेहो लॉन्ग जम्प के क्रम में एक खिलाड़ी घायल भेला बाद खेले रुकल गेल छल। ओके हैन अनि भोलि बालुवा झार्छ झार्छ भने त भन्या थियो तर बालुवा झारेन माटो झारेछ। हामी खेलाडी छौ हामी आफ्नो इच्छाको लागि खेल्छु। यहाँ केही छिद्दै छैन। उनीहरूले भनेको अब हिजो खेल गराएन तर बालुवा गिराउँछु भनेको थियो तर बालुवा यो अर्को डोरस माटो भन्छ हाम्रो मैथिलीमा के भन्छ त्यो माटो गिराएर एउटा न्यू पनि ड्यामेज भयो हाम्रो एउटा खेलाडीको। प्रतियोगिता में न्यूनतम आवश्यक सामग्री के उपलब्धता नहीं भेल तथा अव्यवस्थित तरीका से कराओल गेल छै ओ सब बतौलक अछि। नेशनल गेम खेलिसक्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गेम खेलिसक्यो तर आजसम्म यस्तो गेम खेलेको छैन। यो एउटा जनकपुरको विकट एरियामा ल्याएर तपाईँहरू एउटा नेसनल लेभलको प्रदेश स्तरीय सेलेक्सन गरिराख्नु भएको छ र तपाईँहरू गेम गराइराख्नु भएको छ त्यो गेमको त्यो ट्र्याक बनाउने स्ट्राइकर सही छ। सर्टपुट 12 पाउन्डको हुन्छ जुनियरको 16 पाउन्डको सर्टपुट छ। स्ट्राइकर तपाईँ चेक गर्नुहोस् 100 मिटर डिस्टान्स भर्खरमा कुदेर आएको 100 मिटरमै कुदेछु मलाई अनुभव छ त्यो 100 मिटर छैन त्यो 90 मिटरको ट्र्याक हो। हाम्रो बचिया छ म्याम भाग लेने प्रदेश सरकार बजेट छुट्याउँदै छ एक कर्मचारी के एक व्यवस्थापक के जे भी भरला बाल बच्चा के पाल लेल प्रदेशको प्रतियोगिता भन्नु हाम्रो लागि यो दुखदायी हो। मधेस प्रदेशको यो प्रतियोगिता यो ठिक छैन। यस हिसाबले यो प्रतियोगिता गर्नु बेकार नगरे हुन्छ। गोला प्रथाबाट खेलाडीलाई बाँड्दिनुस् मलाई। अहि विषयमे मधेस खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी सचिव चूडामणि फुयाल मैदानमे बालू राखल गेल दावी कयलनि। ओ प्रतियोगितामे किछु अव्यवस्थित भेल सेहो स्वीकार कयलनि अछि। बालू राखेको छ माटो राखेको होइन होइन अलिक मान्छेहरू बढाइ चढाइ कुरा गर्छन्। बालुवै राखेको छ बालुवा हो कि होइन भनेर म एकछिन गर्न गएको बालुवा राखेको रहेछ माटोमा मात्रै होइन
घाइते भएको हो हैन। अब घाइते हुँदाखेरि अब हामीसँग त्यहाँ तुरन्त साधन नहुँदाखेरि अलिक हामी अल्मलिएको हो, अनि आज पब्लिकको बेलामा पनि के अरे अस्पतालमा डाक्टर नहुने त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भएको हो होइन। राम्ररी व्यवस्थित गर्न नसकेको हो, त्यसमा अलिक हाम्रा कमी कमजोरी पनि भए होइन। अब त्यो कम उमेरकोलाई बढी दिएको त्यो भएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ अलिक विवाद निकाल्न खोजेको हो। अब पानीको त बोकेर खुवाएको हो, पानी अब त्यस्तो पानी नै खान नपाएको अवस्था चाहिँ होइन, अब प्रशस्त भएन होला होइन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे पके आयोजनामै अगिला वैशाख 4 गते सँ 6 गते धरि दशरथ रङ्गशालामे राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता होबय लागल छ। 7 प्रदेशसँ 18 वर्ष निचाके 686 खेलाड़ी सहभागिता जनाव जा रहा है। छात्र छात्रा एथलेटिक्स भलीबल कराते कबड्डी तेकांडो आ उसु विधा के खेल में सहभागिता जनाओत। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।